आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वाधीनता दिवस 2024 बृहस्पतिवार 15 अगस्त को मनाया जाएगा। 15 अगस्त के पहले मुख्य परेड की रिहर्सल लगातार जारी है। विशेष बात ये दिखाई दे रही है कि जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन और जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता दोनों ही इस परेड में व्यक्तिगत दिलचस्पी ले रहे हैं। वे पूरे समय उपस्थित होकर परेड की तैयारियां देख रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। नन्हे मुन्ने बच्चे, स्कूली बच्चे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की रिहर्सल कर रहे हैं। उनके द्वारा इसकी पूर्व में इसका अभ्यास अपनी अपनी शालाओं में निश्चित तौर पर किया गया होगा और अब यहाँ पर इस अभ्यास को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। महज 2 दिन बचे हैं स्वाधीनता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में और यहाँ आप देख सकते हैं जिलाधिकारी संस्कृति जैन और पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता दोनों ही यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। अभी तक अमूमन सिवनी का जो इतिहास रहा है, जिलाधिकारी हों या जिला पुलिस अधीक्षक, वे जब मुख्य परेड होती है या जब भी मुख्य कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में सहभागिता उनकी रहती है, पर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि मुख्य कार्यक्रम के पूर्व भी वे यहां पर बैठे हुए हैं। जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक दोनों यहां बैठे और इस तैयारी को वो देख रहे हैं किस तरह से विद्यार्थियों के द्वारा, नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा तैयारियाँ की गई हैं, किस तन्मयता से यहाँ पर बच्चे अपना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का मूलतः ये अभ्यास जारी है और इस अभ्यास को उनके द्वारा बहुत ही अपने अभ्यास में पूरी तरह तल्लीन ही दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ ही यहाँ पर शालेय विद्यार्थी हैं तो शाला का प्रबंधन या शाला के अध्यापक भी यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। आम जनता फिलहाल यहाँ नहीं है। आम जनता मुख्य परेड जब बृहस्पतिवार 15 अगस्त को मुख्य परेड होगी तब वे यहाँ पर आम जनता पहुँचेगी। अभी आपको ये सिवनी का स्टेडियम ग्राउंड हम आपको दिखा रहे हैं। इसे अघोषित तौर पर फुटबॉल के लिए फुटबॉल का नाम दे दिया गया है, जबकि प्रौढ़ हो रही पीढ़ी यहाँ क्रिकेट भी उनके द्वारा खेली गई है, फुटबॉल भी यहाँ पर खेला गया है। बहुत सारे खेल यहाँ हुए हैं पर अब आप यहाँ खेल नहीं सकते हैं। अघोषित तौर पर इस पर बंदिश लगी हुई है। अनुभागीय अधिकारी राजस्व, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक तीनों यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे और उनके द्वारा इस पूरे कार्यक्रम पर नज़र रखी जा रही है। हम आपको बता रहे थे कि इस स्टेडियम में अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको शुल्क देना होगा। सरकारी स्टेडियम है, सरकारी तौर पर, और इस स्टेडियम के लिए अभी जो जवान हो रही पीढ़ी इस बात को नहीं जानती होगी कि संजय चौरसिया छात्र नेता हुआ करते थे 80 के दशक में, और संजय चौरसिया के द्वारा जब सुश्री विमला वर्मा केंद्रीय मंत्री थी, उसके पहले जब वे प्रदेश में मंत्री हुआ करती थी, गार्गी शंकर मिश्र सिवनी के सांसद हुआ करते थे, तब संजय चौरसिया के द्वारा एक नारा दिया गया था क्योंकि बार बार स्टेडियम के लिए आश्वासन दिया जाता रहा और उनके द्वारा ये कहा गया कि आश्वासन नहीं स्टेडियम चाहिए, और ये एक जनता की आवाज़ बन गई थी और काफ़ी लंबे समय तक ये चलता रहा कि आश्वासन नहीं स्टेडियम चाहिए। तब जाकर सिवनी को यह स्टेडियम मिला था जिसे अब अघोषित तौर पर फुटबॉल का स्टेडियम बना दिया गया है। जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक दोनों को इस ओर ध्यान देने की महती जरूरत महसूस हो रही है। अगर दोनों चाहें तो ये स्टेडियम के दरवाजे आम जनता के लिए खुल सकते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अंदर खेल कूद इसलिए नहीं कराए जाते क्योंकि ये हरी घास खराब हो जाएगी खेल कूद में। सिर्फ यहाँ सुबह पैदल चलने वालों के लिए
और बैडमिंटन खेलने वालों के लिए यह स्टेडियम रह गया। नाम फुटबॉल स्टेडियम अघोषित तौर पर रख दिया गया है, जबकि इस स्टेडियम को सुश्री विमला वर्मा के द्वारा सिवनी के निवासियों के लिए यहाँ पर उनकी एक सौगात, बड़ी सौगात के रूप में से देखा जाता रहा है। सिवनी में इस स्टेडियम जो मैदान आप देख रहे हैं 80 के दशक में, इस 1985 के बाद यहाँ पर अंतर महाविद्यालयीन क्रिकेट स्पर्धा भी इसी मैदान में हुई है। घास खराब हो जाएगी, इसके कारण यहाँ पर खेलकूद पूरी तरह अघोषित तौर पर प्रतिबंधित नजर आते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। विद्यार्थी पूरी तन्मयता से यहाँ स्वाधीनता दिवस के पूर्व अपने अभ्यास में जुटे हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। पीछे जो आपको तीन रंग में लिखा दिख रहा और जहाँ जय हिंद लिखा हुआ, उस यहाँ का एक बैडमिंटन का कोर्ट है। इस स्टेडियम को एक बड़े आश्चर्य की बात है कि पिछले कई सालों से, या ये कहा जाए दो दशकों से, यहाँ प्रवेश करने पर यहाँ सुबह अगर आप घूमने जाते हैं तो आपको यहाँ घूमने के लिए आपको शुल्क देना होता है। सरकारी स्टेडियम में शुल्क देना होता है। क्या उस शुल्क का क्या किया जाता है, ये बात शायद कोई जानता हो। और साथ ही अगर आप इसके मुख्य द्वार पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे विज्ञापन अटे पड़े दिखाई देंगे, निजी संस्थाओं के, निजी कंपनियों के। विज्ञापन का पैसा किसके पास जा रहा है, क्या उसकी रसीद काटी जा रही है, या फिर उसके लिए दरें निर्धारित हैं, उसके लिए निविदा बुलाई गई है। चूँकि सरकारी स्तर पर ये मामला है, इसलिए बहुत सारे प्रश्न खड़े होना लाजमी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक दोनों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, उनके साथ ही सरकारी अमला। चूँकि जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि विभागीय प्रमुख जाते हैं तो बाकी अमला भी अपने आप उनके साथ, उनके पीछे पीछे ही पहुँच जाता है। जिला पुलिस अधीक्षक, अनुभागीय अधिकारी राजस्व, जिला कलेक्टर, तीनों आपको स्टेज पर बैठे दिखाई दे रहे होंगे। वास्तव में लोगों का यही कहना है कि पहली बार उनके द्वारा जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को इस तरीके के कार्यक्रमों में तीन दिन पूर्व देखा गया है। ये जिला कलेक्टर यहाँ कुछ कह रही हैं, आइए हम सुनते हुए क्या कह रही हैं। और जैसे SDM मैडम बता रही है, शायद बीच की तरफ हमारे पास कीचड़ कम है, आज की धूप रही तो थोड़ा हमारा पानी और कम हो जाएगा, पर आप सेंटर ऑफ स्टेडियम में जहां पर दलदल नहीं हो रहा है वहां की पोजीशनिंग करेंगे। पीछे कोई भी बच्चे एकदम वेटिंग में खड़े नहीं रहेंगे। जो हमारा सेंटर परफॉर्मिंग वाला है उनके दोनों तरफ पर हाफ ऑफ करके आप बच्चों की एक बार प्रैक्टिस कराइए और उनको नई पोजीशनिंग कराइए। जितने भी हमारे फॉर्मेशन वाले ग्रुप्स हैं उसमें बहुत आवश्यक है कि आप सिमेट्री मेंटेन करें। पोजीशन हुए थे एक और एक ऑफ सेंटर पर था, तो हम जहां जहां हो रहे हैं, जहां पिरामिड बन रहे हैं, एक चढ़ रहे हैं, सिमेट्री की एक बार प्रैक्टिस सभी कराएंगे। ये तैयारियां यहां पर मुकम्मल होती हुई दिख रही हैं और बृहस्पतिवार को स्वाधीनता दिवस का मुख्य कार्यक्रम, मुख्य परेड यहां पर संपन्न होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल आपसे हम इजाज़त लेना चाहेंगे, नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। अखिलेश दुबे की इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।